हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैंने पनीर के परांठे बनाए हैं, ये सबको बहुत पसंद आते हैं। और पनीर को मैंने घर पर ही बनाया था, तो इस परांठा बनाने के ही मैं एक एक टिप आपको दूंगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम आटे को गूंदेंगे, जिसको आटा लगाना भी कहते हैं, तो अपने हिसाब से आप डाल लेना आटा। तो इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले सॉल्ट, आधे चम्मच से भी कम। अजवाइन डालूंगी, इस तरह से आप कर लेना, एक चम्मच के करीब वेजिटेबल ऑयल। अब मैं इस आटे को गूंदूंगी पानी के साथ। रूम टेम्परेचर पानी लेना है हमें, और इसको हम आटे को मसल मसल के गूंदेंगे। हमें इस आटे को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, मुलायम गूंदना है इसमें, ताकि लचकपन आ जाए इसका, जैसे इलास्टिक होता है, दबा दबा के इसको गूंदना है। आटा हमारा गूंद गया है, लेकिन इसको दबा दबा के इस तरह से मैं 5 मिनट के करीब इसको दबा दबा के इसको मैं गूंदूंगी इस आटे को, ताकि इसमें आटे में कहते जान आ जाए इस तरह से। बहुत एकदम से सॉफ्ट डो होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, बिल्कुल भी गांठे नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस तरह से इसको 5 मिनट तक नीट करती रहूंगी। तो लीजिए, आटा हमारा अच्छी तरह से गूंद गया है। इसको मैं हल्का सा ऑयल लगा दूंगी। अब इसको मैं रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, कम से कम आधे घंटे के लिए। इस तरह मैं डिब्बे में बंद करके इसको आधे घंटे के लिए रख दूंगी, उसके बाद हम फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मैं पनीर ले रही हूँ, ये मैंने घर में ही बनाया था दूध को बॉयल करके। अगर इसकी आपको रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता देना। अगर तो ये पनीर मैंने घर पर ही बनाया था, आप चाहें तो बाज़ार से भी लेकर आ सकते हो। इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि मैं हरी मिर्च भी डालूँगी, आधे से थोड़ा सा कम चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच के करीब अनारदाना पाउडर। अगर आपके पास अनारदाना पाउडर नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, और या फिर आप अमचूर पाउडर यूज़ कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो चाट मसाला यूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी खटास इस परांठों में चाहिए। अब मैंने ये बारीक प्याज काट लिए थे, इसको डालूंगी। ये छोटा एक प्याज है, एक हरी मिर्च ली है मैंने, ये भी इसको इसमें डाल देंगे। और इसी तरह मैंने अदरक भी चॉप किया था, तो इसको भी हम इसी में डाल देंगे। अब हरा धनिया मैं डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मत डालें, लेकिन हरा धनिया खाने में टेस्टी लगते हैं परौंठे अगर हम बनाते हैं गोभी के या पनीर के। तो अब इसको हम फिलिंग को मैं इस तरह से इसको मिक्स कर दूंगी इस तरह से। फिलिंग हमारी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, मैंने इस तरह से इसको मिक्स कर दिया था, ये देख लीजिए। अब हम फिलिंग को एक तरफ रख देंगे, एक साइड पर। आटे को चेक कर लेते हैं। आटा देखो हमारा बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है, ये देखिए। इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था, अब ये देखो बहुत अच्छे तरीके से इसमें लचकपन आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक मैं पेड़ा बनाती हूँ इस तरह से। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे इस तरह से, और एक लोई की तरह बनाएंगे इस तरह से।
मैं इसको बेलूंगी नहीं, हल्की सी मैं लोई की तरह बनाऊंगी इस तरह से। अब इसमें हम ये जो मिक्सचर है इसको हम फिल करेंगे मैक्सिमम, जितना भी इसमें भर जाए इस तरह से। मैं वीडियो बिल्कुल भी काट नहीं रही हूँ और इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, और थोड़ा सा इसको दबा देंगे। फिर से एक सूखा आटा लेंगे इस तरह से। मैंने वीडियो को बिल्कुल भी नहीं काटा। फिर से इसकी लोई बनाएंगे, ये देखिए, और बहुत सॉफ्ट हाथों से आपको इसको बनाना है। ये हो गया, अब इसको हम सूखा आटा लगाएंगे और अब इसको चकले के ऊपर बेलेंगे इस तरह से। बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको बेलना है। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। थोड़ा सा मैं इसको आटा लगाऊंगी। ये देखिए, पूरा अच्छे तरह से गोल, एकदम जैसे चांद होता है उस शेप का बन गया। अब इसको हम तवे के ऊपर इसको तलेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि हमारी जो ये चपाती है ये चिपके नहीं इस तरह से। लो से मीडियम है हीट, बहुत ज़्यादा हाई पर नहीं। शुरू में लो से मीडियम, उसके बाद मैं इसको हाई कर दूंगी। अब दूसरी साइड हल्की सी हो गई है, लेकिन मैं इसको हल्का सा ब्रश करूंगी वेजिटेबल ऑयल के साथ। आप चाहे तो घी लगा लेना, मर्जी आपकी, लेकिन मैं वेजिटेबल ऑयल से हल्का सा, बहुत ही ज़्यादा टच किया है मैंने, और इसको हम साइड इसकी चेंज कर दिए इस तरह से, और इसको गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक इसको हम सेकेंगे। हाई हीट नहीं करनी, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो कच्चा हमें नहीं पकाना इस तरह से। इस साइड पर हम अब तेल लगाएंगे। इस तरह से तो लीजिए, ये हमारा परांठा बनके हो गया या तैयार। इसी तरह मैं सारे परांठे अपने पनीर के बना के तैयार कर लूँगी। सभी परांठे बनके हो गए हैं तैयार, बहुत ही अच्छे बने हैं। देखो, क्रिस्पी, ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। मैं इसको अंदर से आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसकी फिलिंग। तो लीजिए, ये देखो, अंदर से बहुत अच्छी तरह इसकी फिलिंग आई है और एक भी परांठा टूटा नहीं है, किसी भी एक परांठे में क्रैक नहीं आया। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये परांठे बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट में खा सकते हो या लंच में खा सकते हो। ये लंच का भी आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। आप इसके साथ दही परोस सकते हो या फिर चाय के साथ इसको खा सकते हो। अपनी मनपसंद का कोई अचार ले सकते हो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक आप सबको सत श्री अकाल, टेक केयर एंड बाय।